हाय दोस्तों, हाय एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोग का हम ब्लॉग वीडियो कैसे बनाते हैं उसको बताएंगे कि ब्लॉग, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप वीडियो कैसे शूट कीजिएगा और उसमें क्या क्या पॉइंट रहता है कि आप ब्लॉग अगर बना रहे हैं तो उसमें क्या पॉइंट रहता है उसको आप बताएंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि एक फ़ोन है, जब भी आप ब्लॉग वीडियो बनाइएगा तो सिंपली आपको फ़ोन को ऐसे दो उंगली को ऐसे पकड़ना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका ये फ्रंट कैमरा है, ये आपका, इसमें आपका वीडियो शूट करने में बहुत अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको अभी ऑन कर दिया, तो इसमें आप आराम से इसमें बोल सकते हैं और जब भी आप कोई भी बोलना है तो आपको फिर चेहरा आपका खिला खिला हुआ रहना चाहिए, उदास नहीं रहना चाहिए आपको। फिर जैसे कि कोई भी शब्द आप बोल रहे हैं तो आप यहाँ पर लेंस में, यहाँ पर देखना है आपको, कैमरा का लेंस में देखना है आपको, फुटेज आपको देखना है। और जब आप लेंस में बोलिएगा तो आपका जो आई कांटेक्ट रहेगा, जो आपका वीडियो देखेगा, आई कांटेक्ट आपका उससे मिलेगा, तो उसमें आपका वीडियो लगेगा कि नहीं, ये भाई साहब मुझसे ही बात कर रहे हैं और मुझे ही देख रहे हैं। अगर आप लेंस में यहाँ पर देखिएगा, स्क्रीन पर देखिएगा, तो फिर आपका वीडियो लगेगा कि कहीं पर वो दूसरे जगह देख रहे हैं। और जब भी आप ब्लॉग वीडियो बनाइएगा तो आपको सिंपली यहाँ फ्रंट कैमरा पहले आप ऑन कीजिएगा और बैक, अगर बैक का भी वीडियो बनाना आपका, कहीं पूरा वीडियो दिखाना है कि यहाँ पर किस तरह का लोकेशन है, पूरा लोकेशन दिखाना है, तो आपको फिर यह सामने कैमरा को ऑन करना है और सामने वाला कैमरा को ऑन करके आप इस तरह से मोबाइल को घुमा सकते हैं और इस तरह से मोबाइल घुमा करके आप 360 डिग्री आप दिखाइएगा, दिखाइए जैसे कि 360 डिग्री अभी घुमा रहे हैं, तो इसका लोकेशन बहुत अच्छा आने वाला है। और दोस्तों, आप सिंपली जब भी ब्लॉग वीडियो बनाइएगा तो आप उसमें कैमरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप ब्लॉग वीडियो बनाइएगा तो उसमें आप माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक नहीं भी है तो फिर आप मोबाइल का कैमरा से ही और मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप सिंपली आप देख पा रहे हैं कि हम मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसका वॉयस अभी आपको अच्छा ही आने वाला है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास माइक होगा तो फिर आपका वीडियो जो बनेगा उसमें ऑडियो क्वालिटी अच्छा आने वाला है। तो अगर आपके पास कैमरा माइक नहीं भी है तो फिर भी आप वीडियो बना सकते हैं उसमें। और जब भी आप वीडियो बनाइएगा तो ये आप अगर सामने कैमरा से, जैसे बैक कैमरा से अगर बनाइएगा तो इसको ऑन करने के बाद आप मोबाइल को किस तरह से पकड़ना है, देखिए इस तरह से आपको मोबाइल को इस तरह से घुमा के पकड़ना है। इस तरह से आप पकड़िएगा तो इसमें क्या होगा कि आपका जो पीछे का फुटेज है पूरा आएगा, पूरा आपको क्लियर आएगा, पूरा क्लियर दिखने वाला है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, आपका पूरा लोकेशन दिखेगा पीछे का। तो इसमें आपका जो वीडियो रिकॉर्ड होगा तो उसमें आपका दूर का भी पोर्शन आएगा, बैक कैमरा से आपका पूरा फुटेज आपको उसमें नज़र आएगा। और इधर से आपका फ्रंट कैमरा से अगर करते हैं तो उसमें आपका इतना अच्छा कैमरा नहीं रहता है, उसमें आपका जो पिक्चर क्वालिटी रहेगा उसमें आपका सिर्फ आपका ही फोटो आएगा, उसमें आपका पूरा लोकेशन का फोटो नहीं आता है। और दोस्तों, जब भी आप ब्लॉग बनाइएगा तो आपको कहीं भीड़ भाड़ एरिया में या फिर कहीं भी ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको डरने की बात नहीं है, आपको शर्म करने का बात नहीं है, आपको खुलकर बोलना है और जो भी बोल रहे हैं आप बेहिचक बोलिए। इससे आपका जो वीडियो देखने वाले हैं उसको लगेगा कि नहीं, हाँ वीडियो जो बना रहे हैं ये बंदा में कुछ दम है। और आपको हर हमेशा, मतलब वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो हमेशा आपको कंटेंट बोलते रहना है, जिससे कि लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो उसको बोरिंग टाइप का महसूस ना हो, उसको लगे कि नहीं हम वीडियो देख भी रहे हैं, उसमें कमेंट्री भी हो रहा है, आपका वॉइस भी आएगा। और आप किसी भी तरह का वीडियो बना रहे हैं, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, विलेज वीडियो बना रहे हैं या फिर आप किसी टाइप का भी वीडियो बनाइए, तो आप आराम से आप इस बैक कैमरा से आप शूट कर सकते हैं। इससे जो होगा आपका जो लोकेशन आएगा खूब अच्छा आएगा। तो उसमें आप टाइटल जरूर दीजिएगा, जैसे कि आप अगर कहीं पर जा रहे हैं ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग करने के लिए, अगर ट्रेवल में जा रहे हैं तो आप इसमें लिख दीजिए कि आज हमने ट्रेवल करने गया, इस तरह से कुछ एक टाइटल देना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी आपका वीडियो किसी के पास आए तो वो टाइटल देखकर या फिर थंबनेल देखकर आप उसको तुरंत आपका वीडियो को क्लिक करेगा तो उसको देखने में मज़ा आएगा। और बेहिचक आपको बोलना है जब भी, जैसे कि हमने भी जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट लग रहा था, शर्म लग रहा था, लेकिन मेरा भी लगभग एक साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि ब्लॉगिंग करते करते मेरा एक साल हो गया है और सब्सक्राइबर भी अच्छा खासा अभी हो गया है, तो इसी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहे हैं। और जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं और नहीं भी करते हैं तो उनको इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको ब्लॉगिंग कर रहे हैं और
दोस्तों इस तरह से आप वीडियो को बना सकते हैं और इस तरह वीडियो बनाकर आप भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं और आपका भी अच्छा खासा सब्सक्राइबर बढ़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।